दोस्तों बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जब से ड्रग्स एंगल सामने आया है तभी से एनसीबी का शिकंजा और भी ज्यादा कसता जा रहा है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी के कई नाम सामने आने के बाद में अब टीवी के कई सेलिब्रिटी ऐसे भी है जो कि एनसीबी के निशाने पर आ चुके हैं। अभी दोस्तों बुधवार को अभिगेल पांडे और सनम जौहर के घर पर छापेमारी की गई थी जहाँ पर उनके घर से मारिजुआना मिला था। दरअसल दोस्तों अभिगेल और सनम का नाम एक ड्रग पेडलर के बयान में सामने आया था जिसको एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। टीवी इंडस्ट्री से दोस्तों ये कोई पहला मामला नहीं है बल्कि इससे पहले कई टीवी सेलिब्रिटी ड्रग्स के जाल में फंस चुके हैं। आज दोस्तों इस वीडियो में आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ टीवी सितारों के नाम जो कि ड्रग्स के जंजाल में फंस चुके हैं। इनमें दोस्तों पहला नाम है सिद्धार्थ सागर का। फेमस कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर एक टाइम में टीवी की दुनिया से बिल्कुल गायब हो गए थे जिसके बाद में पता चला था कि वो ड्रग्स की चपेट में आ गए और उनको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती किया गया था। हालांकि दोस्तों वहां पर उनके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं किया गया था। इस बात की जानकारी खुद सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू के दौरान दी थी। सिद्धार्थ ने तो बताया था कि उनकी जिंदगी में एक टाइम ऐसा आया था जब वो काफी ज्यादा अकेले थे। वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में जिंदगी जी रहे थे और उस दौरान किसी ने उनको ये सलाह दी कि ये पदार्थ ले लो, इससे तुम्हें राहत मिल जाएगी। जिसके बाद दोस्तों सिद्धार्थ वो पदार्थ लेने लगे और उनको इस पदार्थ की लत लग गई थी। इसके बाहर निकलने के लिए उन्होंने अपनी माँ से किसी नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट करने की बात कही थी। वहां पर दोस्तों सेंटर में सिद्धार्थ का अनुभव बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। वहां पर लोग उनको पीटते थे। कुछ महीने वहां पर बिताने के बाद में वो अपने मैनेजर की मदद से सेंटर से बाहर निकले थे। इस लिस्ट में दोस्तों दूसरा नाम अपूर्व अग्निहोत्री और शिल्पा अग्निहोत्री का है। साल 2012 में टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल अपूर्व अग्निहोत्री और शिल्पा अग्निहोत्री मुंबई में चल रही एक रेव पार्टी में पकड़े गए थे। दोनों की मेडिकल जाँच होने के बाद में उनमें ड्रग पॉजिटिव की बात सामने आई थी। हालांकि दोस्तों जब अपूर्व से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनको नहीं पता था कि वहां पर रेव पार्टी चल रही थी। तो वहीं दोस्तों शिल्पा ने कहा कि सेलिब्रिटी होने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों तीसरा नाम आता है सौरभ पांडे का। टीवी की दुनिया में भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले सौरभ पांडे को भी ड्रग्स की लत ने जकड़ लिया था। सौरभ ने भी एक इंटरव्यू के दौरान ड्रग्स को लेकर बात कही थी। इस दौरान दोस्तों सौरभ ने बताया था कि उन्हें ड्रग की लत लग गई थी लेकिन उन्होंने दिल की सुनी और फिर से फैसला किया कि वो अब कभी भी ड्रग नहीं लेंगे। इसके बाद दोस्तों वो नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुए थे। वहां पर कई दिनों तक मेडिटेशन और रिलैक्स करने के बाद में वो ड्रग्स की दुनिया से बाहर निकल पाए। अगला नंबर आता है दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला का। बिग बॉस के सीजन 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला का नाम इस मामले में आ चुका है। दरअसल दोस्तों पिछले साल जब बिग बॉस चल रहा था उस दौरान एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने सिद्धार्थ के ऊपर ये आरोप लगाया कि वो एक ड्रग एडिक्ट है। हालांकि दोस्तों खुद सिद्धार्थ शुक्ला ने इस बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा, ना ही उन्होंने किसी को सफाई दी और ना ही किसी बात का कोई खुलासा किया।